मैं हूं निशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आप सभी जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में काफी ज्यादा माहौल गर्म हो चुका था और राजनीतिक चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही थी। जातीय जनगणना को लेकर जहां आरजेडी के तेजस्वी यादव बातें कर रहे थे, वहीं बीजेपी से भी कई तरह के खबरें सामने आ रही थी। अब खबर आई है कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने इसे लेकर मना कर दिया है। जातीय जनगणना को लेकर तो बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार जी अब अड़े हुए हैं, पूरे तलखी पे हैं कि उन्हें जातीय जनगणना ही कराना है। अब इसे लेकर खबर ये भी सामने आ रही है कि जातिगत जनगणना को लेकर वो अब बीजेपी पार्टी से यानी कि मोदी जी से अब उनकी पार्टी को छोड़कर अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहले की बातें हैं, जो जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो वो आरजेडी के साथ यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार सीएम का पद हासिल कर लिए थे और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन अब खबर आई है कि जातीय जनगणना को लेकर अगर उनकी बातों को केंद्र सरकार यानी कि उनकी बातों को केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है तो वो बीजेपी को छोड़ सकते हैं। अब बीजेपी को जब वो छोड़ने वाले हैं तो एक और खबर सामने आ रही है कि अब ये भी खबर आ रही है कि बिहार अपने बलबूते पे कर्नाटक के तर्ज पे जातीय जनगणना करवा कर रहेगा। आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया है कि पूरे देश में एक जाति की कई उपजातियां होती है। यदि हाउस होल्ड सर्वे में आप किसी की जाति पूछेंगे तो पड़ोसी यह बता सकता है कि उसके बगल में रहने वाले पड़ोसी किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार से पूर्ण विचार करने का आग्रह किया है। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कर्नाटक में 2015 के अप्रैल मई में 1.3 करोड़ घरों में सर्वे हुआ था। इस सर्वे का नाम सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे दिया गया था। इसमें 1.6 लाख कर्मियों को लगाया गया था, जिस पर सरकार ने 169 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद भी अभी रिपोर्ट नहीं आ सकी है। बिहार के साथ साथ देश के दूसरे क्षेत्रीय दल भी जातीय जनगणना कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में जदयू, राजद, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व विकासशील इंसान पार्टी का स्वर एक होने की वजह से बिहार राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना के बहाने एक नया गठजोड़ बनने में संकेत मिल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से उठी यह मांग देशव्यापी हो गई है। नीतीश कुमार ने दिल्ली में यह साफ कर दिया कि जातीय जनगणना को लेकर हम आपस में बात करेंगे और आगे क्या करना है यह तय करेंगे। नीतीश कुमार के बयान से सब स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के पहले ही यह साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद जातीय जनगणना करा सकते हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जातीय जनगणना कराने को लेकर विभिन्न पार्टियों के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर गोलबंद करने की कवायद शुरू कर दी है। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बताया है और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने एक सर्वदलीय बैठक रखी थी जिसमें उन्होंने अपनी कई बातें कही हैं और उनके हर बात को हम लोग मानेंगे और साथ ही हम उनके जितने भी बात हैं उनसे सहमत है, आगे भी इसी उन्हीं की बातों पर कार्रवाई की जाएगी चाहे जो भी हो। इस बैठक में जो भी तय होगा हम उसके साथ हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से तय है कि जातीय जनगणना करवाई जाएगी। सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के लिए ही जातिगत जनगणना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए ये जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।